आरपीटीवी न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए। बड़वानी के दशहरा मैदान के समीप भरूण मोहल्ला स्थित मां अंबिका वाटिका में शिवलिंग की स्थापना की गई। बड़वानी के मां अंबिका वाटिका भरूण मोहल्ले में श्री विभुजी महाराज के द्वारा रामेश्वरम महादेव की विधि विधान से पूजा अर्चना कर विधि विधान के अनुसार स्थापना की गई। वे विभुजी महाराज द्वारा 51,000 शिवलिंग की स्थापना किए जाने का प्रण भी लिया गया। 1293 शिवलिंग महादेव की स्थापना बड़वानी के मां अंबिका वाटिका में की गई, जिसमें भारूण मोहल्ले एवं सभी शिव भक्त बड़ी संख्या में उपस्थित हुए और कार्यक्रम को सफल बनाया। भगवान शिवलिंग की स्थापना के बाद अब प्रतिदिन उप मंदिर में पूजा अर्चना भक्तों के द्वारा की जाएगी एवं विभिन्न धार्मिक आयोजन भी किए जाएंगे। इस दौरान विजय यादव, सुंदर यादव, प्रेम यादव सहित बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित। मेरा नाम नीरज पाल है। नीरज जी, कहाँ पर क्या आयोजन किया जा रहा है? ये यहाँ पे अपना नर्मदा परिक्रमा पे जो आए हुए विभु जी महाराज जी, ये 51,000 शिवलिंग की इनकी स्थापना करने का संकल्प लेके चल रहे हैं ये, और हमें अंबिका वाटिका में जो दशा मैदान के यहाँ पे है। कार्यालय थाना यातायात विभाग बड़वानी द्वारा की गई कार्रवाई। पुलिस मुख्यालय द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तावित याचिका क्रमांक 8/2013 के पालन में बिना परमिट के संचालित ऑटो के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में यातायात पुलिस बड़वानी के द्वारा बड़वानी शहर में संचालित ऑटो रिक्शाओं को रोककर चेक किया गया एवं उनके दस्तावेज जांचे गए। थाना प्रभारी श्री नाथू सिंह रंधा ने बताया कि बगैर परमिट अवैध रूप से ऑटो रिक्शा के संचालकों को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश आगे से प्राप्त हुए थे। हमारे द्वारा दिनांक को आज शहर में संचालित ऑटो रिक्शा के कागज जैसे फिटनेस, बीमा, परमिट एवं आदि अन्य दस्तावेज चेक किए गए। चेकिंग के दौरान 4 ऑटो रिक्शा के कागज पूर्ण पाए गए। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत बिना हेलमेट के 20, प्रेशर हॉर्न वालों के 5, फोन पर बात करने वालों के 1, ओवर राइड का 1, बिना सीट बेल्ट के 1 एवं अन्य धाराओं में चालानी कार्रवाई बनाकर कुल संबंध शुल्क 9,000 रुपए वसूला। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दीपक कुमार शुक्ला द्वारा जिले में अवैध गोवंश की तस्करी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु जिले के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में आज दिनांक पुलिस थाना सेंधवा ग्रामीण को मुखबिर से सूचना मिली कि एक आयसर वाहन से क्रूरतापूर्वक केड़ों का वधेतु महाराष्ट्र ले जाया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर आयसर को पकड़ा गया, किंतु मौके पर आरोपी चालक वाहन छोड़कर भाग गया। वाहन को चेक करते हुए 13 केड़े जीवित अवस्था तथा 3 केड़े मृत अवस्था में तथा दो अलग अलग ड्रमों में 70 लीटर अवैध स्प्रिट शराब पाए गए, जिन्हें मौके से विधिवत जब्त कर आरोपी चालक के कृत्य धारा 469 मध्य प्रदेश गोवंश प्रतिषेध अधिनियम 11 ख पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 6 ख 1 10 11 कृषि पशु परीक्षण अधिनियम 49A(43)(2) अबकारी अधिनियम के अंतर्गत पाए जाने से थाना सेंधवा ग्रामीण पर आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। मामला पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। उक्त कार्रवाई में विशेष भूमिका कार्यवाहक निरीक्षक अनोखी सिंह सिंधिया, थाना प्रभारी सेंधवा ग्रामीण ASI दीपक ठाकुर, प्रधान आरक्षक 268 रामेश्वरम पांडे, प्रधान आरक्षक मुकेश गिरवाल, आरक्षक 683 दिलीप कनौजे का सराहनीय योगदान रहा। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस टीम को सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कृत करने की घोषणा की गई।